भारत के 4 राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू मिला है। लोक हस्तक्षेप के इस अंक में आज बर्ड फ्लू पर चर्चा करेंगे। इस अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं विजय दुबे। भोपाल स्थित ICAR में मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और हिमाचल से मृत पक्षियों के जो सैंपल आए थे उनमें एवियन इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव मिला है, जिसे बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। देश में अभी कोरोना का विकराल स्वरूप खत्म ही नहीं हुआ था, उसके पहले ही बर्ड फ्लू जैसी एक नई समस्या ने जन्म ले लिया है। भोपाल स्थित ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज के सूत्र बताते हैं कि राजस्थान, केरल, हिमाचल और मध्य प्रदेश में मरे पक्षियों के जो सैंपल हैं वो बर्ड फ्लू से प्रभावित हैं और एवियन इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड से आए सैंपलों की दोबारा जांच की जा रही है। फिर से जो सैंपल आए थे वे सड़ चुके हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू से रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। राजस्थान में किंगफिशर, मैगपी और कौओं की भी मौत हुई है। मध्य प्रदेश में सिर्फ कौवे ही मरे पाए गए हैं, वहीं हिमाचल में प्रवासी पक्षियों की मरने की खबर आई है, जबकि केरला में बतखों के मरने की खबर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश से सटे दूसरे राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने के चलते अब यहाँ भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूपी में वैसे अभी तक किसी भी जिले से ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हालात चिंताजनक बन गए हैं क्योंकि पड़ोसी राज्यों में अब बर्ड फ्लू की पॉजिटिव रिपोर्ट है और प्रवासी पक्षियों में भी ये पाया गया है। हजारों की संख्या में पक्षी मर गए हैं। यूपी के राज्यों की जिनसे सीमा लगती है उनमें ये बर्ड फ्लू के प्रभाव है और अब प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ाई गई है। पशुपालन विभाग के रोग नियंत्रण के निदेशक डॉक्टर संतोष मलिक के अनुसार यूपी में अभी ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। हालांकि प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू मिलने के कारण चिंता जरूर। वे कहते हैं कि हम लगातार सैंपलिंग और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस खबर के बाद प्रदेश का वन विभाग इन दिनों बड़ी संख्या में जो प्रवासी पक्षी आते हैं वेटलैंड के एरिया में उनको लेकर के चिंतित है। वह एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, ऐसे में खतरा बढ़ गया है कि वे बर्ड फ्लू के प्रसार में मदद कर सकते हैं। अब वन विभाग को इसके लिए अपनी तैयारी करनी होगी। वैसे चूंकि अभी यूपी में कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है लेकिन खतरा बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि बर्ड फ्लू से बचाव के लिए प्रदेश सरकार कैसे तैयारी करती है और कैसे प्रदेश को बचाती है। इस अंक में इतना ही, मुझे याद दीजिए। नमस्कार।